चलो लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. सनमून म्यूचुअल फंड इज एन अप्रूव्ड म्यूचुअल फंड स्पॉन्सर्ड ओपन एंडेड इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम कॉल्ड चाणक्य अपॉर्चुनिटी फंड. देयर वर टू प्लान्स नेमली बोनस प्लान बी एंड ग्रोथ प्लान सी. At the time of IPO, initial public offer, on 1st of April 2015, Mr. Bachchan and Mrs. Charu, two investors invested rupees 1 lakh each and chosen plan B, comma C respectively. The history of the fund is as follows. Date de rakha hai humko, bonus ka ratio de rakha hai, 10 rupay ka face value aur NAV ka information de rakha hai. बोनस का रेशियो है 5:4 1:4. बी प्लान का एनएवी दे रखा है, सी प्लान का एनएवी दे रखा है. ऑन 31st of July, इट मीन 31st of July 2025, बोथ इन्वेस्टर्स रिडीम ऑल द बैलेंस इवेंट्स. कैलकुलेट एनुअल रेट ऑफ रिटर्न टू ईच ऑफ द इन्वेस्टर. कंसीडरिंग दैट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इज एग्जेम्प्ट from income tax. Short-term capital gain is subject to 10% of income tax. Security transaction tax 0.2% only on sale or redemption of units. Ignore education cess. Chalo, I request all of you to go through the question, फिर हम लोग discuss करते कि कैसे करने का. चलो let us see कैसे किया जाएगा. I request all of you to write down answer along with me. Heading is bonus plan. उसमें we can start doing like this. Working note number 1. Calculation of units allotted to investor. Students are requested to pay attention. Column number 1 is date. Column number 2 is units allotted. And third column is balance units. Friends, ऐसा simple working नहीं होगा. Question में ऐसा दे रखा है कि on 1st of April 2015 आपने investment किया. आपने investment कितना किया? 1 lakh rupees का. Question में हमको again investment का price ही दे रखा. हम लोग 10 rupees assume करते हैं. यानी आपको क्या 10,000 यूनिट्स अलॉट हुए और आपका बैलेंस हो गया 10,000. अच्छा, फिर हमको दे रखा है दैट्स द 31st of March 2020. बोनस का रेशियो क्या है? 5 for every 4 हेड. यानी क्या किया जाएगा? 10,000 × 5/4. So we understand that, so over here 50,000 divided by 4, 12,500. उसी का NAV क्या है वो देखने का नहीं. आपके पास जितने यूनिट्स होंगे ना उसके हिसाब से आपको एडिशनल यूनिट्स अलॉट किए जाएंगे. आपका बैलेंस कितना हो जाएगा? 10,000 + 12,500. इन टोटल आपके पास कितने यूनिट्स हो जाएंगे? 22,500. That is what we understand. फिर हमको दे रखा 24th of March 2025. उस दिन 1 for every 4 यूनिट सेल. सो क्या किया जाएगा फ्रेंड्स? 22,500 × 1/4. सो वी अंडरस्टैंड दैट्स ओवर हियर 5,625. तो बैलेंस कितना हो जाएगा? 22,500 प्लस 5,625.
सो 28125 यानी जिस दिन आप अपना इन्वेस्टमेंट रिडीम करोगे उस दिन आपके पास इतने नंबर ऑफ यूनिट्स होंगे। यानी जैसे हम लोग डिविडेंड रीइन्वेस्टमेंट प्लान में करते हैं कुछ ऐसा ही है यहाँ पे, दैट इज अ कैलकुलेशन ऑफ द नंबर ऑफ यूनिट्स दैट यू वुड बी हैविंग ऑन द डेट ऑफ रिडेम्पशन। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू टेक डाउन आंसर फॉर द फर्स्ट वर्किंग नोट, फिर हम लोग आगे का धीरे धीरे डिस्कस करते हैं। वर्किंग नोट नंबर टू, कैलकुलेशन ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स पेमेंट। फ्रेंड्स जितने भी नंबर ऑफ यूनिट्स पिछले एक साल में अलॉट हुए हैं उसके ऊपर हमको कैपिटल गेन टैक्स भरना पड़ेगा। सो वी अंडरस्टैंड एट से 31st of July 2025 को हमने रिडीम किया है तो विद इन लास्ट वन ईयर ये नंबर ऑफ यूनिट्स अलॉट हुए कितना 5625। अच्छा उस दिन एनएवी पर यूनिट क्या था फ्रेंड्स 19.95 और जब हमने इन्वेस्टमेंट रिडीम किया तब एनएवी क्या था 22.98। सो हम लोग फ्रेंड्स कुछ ऐसा वर्किंग करेंगे, लेट अन आंसर अलोंग विद मी। रिडेम्पशन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 22.98 × 5625 लेस कॉस्ट, ये यूनिट अलॉट हुआ तभी एनएवी क्या था 19.95 × 5625। हम लोग सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स को डिडक्ट नहीं करेंगे। सो दिस इज द रिडेम्पशन वैल्यू 129,262.5। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा और फिर उसके बेसिस से हमको टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। प्लीज राइट डाउन आंसर। सो वी हैव शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन So it is 17,043.75. उसके बाद शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स पेमेंट 1,704.38। उसके बाद हम लोग कैलकुलेट करेंगे व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ होल्डिंग इन्वेस्टमेंट, इनकम और उसके बाद रिटर्न होगा। चलो बाकी के तीन वर्किंग नोट्स आप कैलकुलेट करके आई वांट यू टू पोस्ट योर आंसर अबाउट द एनुअलाइज रिटर्न। लेट अस सी हाउ टू कैलकुलेट फर्दर आंसर। फ्रेंड्स इन्वेस्टमेंट किया है 1st of April 2015 को और रिडेम्पशन है 31st of July 2025 को। सो वर्किंग नोट नंबर 3, कैलकुलेशन ऑफ टाइम पीरियड ऑफ होल्डिंग इन्वेस्टमेंट। आई रिक्वेस्ट यू टू राइट डाउन आंसर अलोंग विद मी। 1st of April
2015 to 31st of March 2025. Yani 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. So it comes to 10 years. 1 year is consisting of 12 months, so ye 120 mahina ho gaya. 1st of April 2025 to 31st of July 2025. So April, May, June, July. So aur 4 mahina. So the total time period of holding investment is 124 months. That is how the number of months are calculated. Working note number 4, calculation of income. Us pe hum log kya likhenge friends? Ek, redemption value of investment. We understand that say hamare paas last dekho इतने नंबर ऑफ यूनिट्स थे 28,125. एनएवी कितना लास्ट डे का 22 रुपीज 98 पैसे 28125 into 22.98, सो 6,46,000 312.5. So this is what we understand is say the redemption value of investment. Less kya hoga? Security transaction tax. 6,46,312.5 into 0.2%. So it is into 0.2%. So that comes to 1,292.625 है, तो मैं 63 कर रहा हूँ. Less short term capital gain tax payment. This is the amount of the tax payment. 1,704.38. Less investment. Investment का amount कितना है 1,00,000. बस खत्म हो गया. That is the way the income can be calculated. So income would be 6,46,312.5 minus 1,292.63 minus 1,704.38 minus 1,00,000. यानी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 5,43,315.49. ये हमारा इनकम हो जाएगा. एक बार इनकम आ गया और बाकी सब इंफॉर्मेशन तो है. सो फाइनल आंसर इज annualized return it is income divided by investment into 12 divided by n into 100. Income kitna de rakha hai, it is 543,315.49. हमने इन्वेस्टमेंट कितना किया फ्रेंड्स, हमने इन्वेस्टमेंट किया 1,00,000 रुपए का. इनटू 12 डिवाइड बाय 124 इनटू 100, ऐसा करके हमारा एनुअलाइज रिटर्न होगा. सो 543,315.49 divided by 1,00,000 into 12 into 100
divided by 124. So 52.58%. That is the way annualized return is formed. Please write an answer. So this is the annualized return in case of the bonus plan. Importantly friends, hamesha yaad rakhne ka ki jabhi bhi hum log return ka calculation kar rahe hain na, to humko sirf cash flows ke upar focus karne ka hai. Investor ke point of view se unhone jab investment kiya tab unki jeb se kitna cash outflow gaya wo consider karne ka hai, aur jab unhone investment redeem kiya tab unko kitna paisa mila sirf wahi consider karne ka hai. Acha दूसरा दे रखा है हमको, दैट इज द बोनस, दैट इज ग्रोथ प्लान. चलो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू राइट एन आंसर अलोंग विद मी, हेडिंग राइट डाउन ग्रोथ प्लान. भाई देखो ग्रोथ प्लान में वर्किंग बहुत आसान है. उसमें ऐसा होता है दैट से इनिशियली आपको जितना नंबर ऑफ यूनिट्स दिया ना, बस उतना ही नंबर ऑफ यूनिट्स आपके पास जब आप इन्वेस्टमेंट रिडीम करोगे ना तब होगा, और कुछ नहीं होगा. चलो राइट एन आंसर अलॉन्ग विथ मी, वर्किंग नोट नंबर वन, कैलकुलेशन ऑफ यूनिट्स अलॉटेड टू इन्वेस्टर. उसमें क्या होगा फ्रेंड्स, इट इज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय नेट असेट वैल्यू. इन्वेस्टमेंट का अमाउंट कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 1,00,000. नेट असेट वैल्यू कितना दे रखा है, 10 रुपए. यानी हमने अज्यूम किया कि इन्वेस्टमेंट इज मेड एट फेस वैल्यू. यानी हमको कितना नंबर ऑफ यूनिट्स मिला होगा फ्रेंड्स, 10,000 यूनिट्स. दैट इज द नंबर ऑफ यूनिट्स अलॉटेड इज फाउंड. वर्किंग नोट नंबर टू, इनकम. देखो फ्रेंड्स यहाँ पे टाइम पीरियड ऑफ होल्डिंग इन्वेस्टमेंट तो सेम ही है, तो वो वापस करने का जरूरत नहीं है. दूसरा हम लोग ऐसा समझ सकते हैं, लिसन केयरफुली, दूसरा हम लोग ऐसा समझ सकते हैं कि टाइम पीरियड ऑफ होल्डिंग इन्वेस्टमेंट इज सब्सटेंशियली मोर देन 1 ईयर, सो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ द कैपिटल गेन टैक्स. तो डायरेक्टली हम लोग इनकम का कैलकुलेशन कर सकते हैं. उसमें क्या किया जाएगा, रिडेम्पशन वैल्यू. रिडेम्पशन वैल्यू में 10,000 यूनिट्स इनटू एनएवी पर यूनिट कितना है, 82.07. सो 82.07 इनटू 10,000, 8,20,700. लेस सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, वो कितना होगा फ्रेंड्स, 820,700 इंटू 0.2%. सो 1,641.4. कोई भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स नहीं है, लेस इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट कितना किया है, 1,00,000 का, तो उसके बेसिस से हमको रिटर्न मिल जाए, इनकम मिल जाएगा. आई एम सॉरी, अमाउंट ऑफ द इनकम वुड बी 7,19,058.6. दिस इज द इनकम. एक बार इनकम का कैलकुलेशन हो जाएगा, उसके बाद रिटर्न का कैलकुलेशन. एज फार एज द रिटर्न इज कंसर्न, इट इज इनकम डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट into 12 divided by n into 100
इनकम कितना है हमारे एग्जाम्पल में 7,19,000 58.6, इन्वेस्टमेंट कितना है फ्रेंड्स 1,00,000 इंटू 12/124 इंटू 100 ऐसा करके रिटर्न होगा। That is the way the return can be calculated. Now sometimes students have a point that sir इतना सब working नहीं करेंगे और अगर हम लोग per unit answer करेंगे तो चलेगा सर? बिल्कुल चलेगा। In a way that say देखो 82.07 is the redemption value minus 82.07 into 0.2%. माइनस क्या करेंगे 10 रुपए, दैट इज द एनएवी ऑन एंट्री डेट डिवाइडेड बाय व्हाट 10 रुपए बन सके। तो देखो ये बेसिकली क्या हो जाएगा हमारा न्यूमरेटर इनकम हो जाएगा इनटू 12 डिवाइडेड बाय 124 इनटू 100 फॉर गेटिंग आंसर इन परसेंटेज 82.07 इनटू 0.2%। So this is what's the STT, उसको डिडक्ट करते हैं फ्रॉम 82.07, तो ये हमको अमाउंट मिलेगा नेट ऑफ STT माइनस 10 रुपए, दैट इज द न्यूमरेटर इज इनकम डिवाइडेड बाय 10 इंटू 1200 अपॉन 124, तो ये हमारा रिटर्न हो जाएगा डायरेक्टली 69.59%, क्योंकि STT भी यहाँ पे नहीं है, आई एम सॉरी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का टैक्स पेमेंट नहीं है। तो ऐसे आंसर करेंगे ना तो भी चलेगा फ्रेंड्स, बिल्कुल जरूरी नहीं है कि हम लोग यही सिस्टम से आंसर करेंगे, बिकॉज ओवर हियर द प्रेजेंटेशन ऑफ द आंसर इन सच अ वे सो दैट से वी कैन कन्वे दैट से वी हैव अंडरस्टूड इज एक्सेप्टेबल। तो लेट अस हैव अ रिविजन ऑफ द एंटायर आंसर। बोनस प्लान में क्या किया जाएगा, हमने 1 अप्रैल 2015 को 1,00,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है, 10 रुपए का फेस वैल्यू, तो हमको 10,000 यूनिट्स अलॉट हुए। 31 मार्च 2020 को 5 यूनिट्स आर अलॉटेड फॉर एवरी 4, सो हमारे पास 10,000 है तो उसके सामने 12,500 मिला, सो टोटल हो गया हमारा 22,500। 24 मार्च 2025 को 1 for every 4 यूनिट्स, तो 12,500 इंटू 1/4 5625 नंबर ऑफ यूनिट्स मिले, सो कुल मिला के हो गया 28125। एक सिंपल वर्किंग नोट है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स पेमेंट का, 22.98 रुपीज इज द रिडम्शन वैल्यू एंड 5625 इज द नंबर ऑफ यूनिट्स, सो हमको रिडम्शन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मिलेगा माइनस 19.95 इंटू 5625, दैट इज द कॉस्ट फॉर दोज यूनिट्स, ऐसा करके शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और टैक्स पेमेंट। टाइम पीरियड ऑफ होल्डिंग इन्वेस्टमेंट 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2025, 10 साल हो गए, उसमें 120 महीना और फिर और 4 महीना है। उसके बाद इनकम का कैलकुलेशन, जिसमें रिडम्शन वैल्यू फाइंड किया जाएगा माइनस एसटीटी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स माइनस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स पेमेंट माइनस इन्वेस्टमेंट, ऐसा करके इनकम आएगा, उसके बेसिस से एनुअलाइज रिटर्न। ग्रोथ प्लान सबसे आसान है फ्रेंड्स, जिसमें आपको कोई भी एडिशनल यूनिट्स अलॉट नहीं किए जाते हैं, आपके पास 10,000 यूनिट्स पहले भी थे, लास्ट डे को इतना ही रहेगा, वो यूनिट्स को हमने रिडीम किया एट 82.07, ऐसा करके वी हैव मेड द कैलकुलेशन ऑफ द रिडम्पशन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, उसमें से एसटीटी डिडक्ट किया। टाइम पीरियड ऑफ होल्डिंग इन्वेस्टमेंट इज सब्सटेंशियली मोर देन 1 ईयर, सो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स पेमेंट। Then we understand that say over here investment को deduct किया to find the income और finally हमने return का calculation। यहाँ पे अगर आप ऐसा सोचते हो कि मैं per unit का calculation कर सकता हूँ, हाँ per unit का calculation करके भी answer ला सकते हो and you will get the same answer।